भाई साहब यहाँ लाइन से लगी हुई है सारी की वेरिएंट। पहले की वेरिएंट देखने को नहीं मिल रही थी और अब की वेरिएंट ही की वेरिएंट है, ये लगी हुई है। तो फाइनली आज है 26 मई और आज आ गया है दिन, ओला से कॉल आ गया है इधर जाने के लिए। तो ये मेरी है डेस्टिनी, 4 साल पहले ली थी और आज इसी से जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने। इसका रिप्लेसमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं इसको सेल कर दूंगा, और क्योंकि ऑलरेडी एक बाइक है, कार है, तो मैंने बोला एक ईवी होनी चाहिए। तो आज फाइनली वो दिन है, अपने दोस्त को ले जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए। एक्सपीरियंस सेंटर में कॉल किया और एक्सपीरियंस सेंटर वाले भैया ने बोला कि भाई आपको 10 दिन अराउंड लग सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली आज ही कॉल आ गया। अभी शायद मैंने परसों ही कॉल किया था उन्हें, तो मज़ा आ गया भाई फिर तो। और ऊपर साथ संडे भी है, तो अपने दोस्त को कॉल किया भाई चल आज उठा के लाते हैं फिर देखते हैं। क्योंकि मैं आज ही प्लान कर रहा था ना एक्सपीरियंस सेंटर जाके जो टेस्ट ड्राइव के लिए ओला S1X आया हुआ है, मैंने पूछा था तो ओला टेस्ट ड्राइव के लिए आ गए हैं, तो मैं वो देखने के लिए जाने वाला था और मुझे अपने लिए कॉल आ गया, तो आज आ जाएगी। और मांगने में उनने कुछ नहीं मांगा है, सिंपल मांगा है आधार कार्ड लाना है बस और आपको आना है। तो थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, मैंने इसको बुक किया था ओला को पहले 14 अप्रैल को, और उसके बाद उनका 15 को सब प्राइस राइज होने वाली थी, तो लेकिन प्राइस राइज होने की वजह ड्रॉप हो गई क्योंकि मैंने S1X+ 3 kW बुक किया था, जो कि मैंने नेक्स्ट डे ही कैंसिल करके क्योंकि S1X चाहिए था मुझे की वेरिएंट, लेकिन उस समय वो प्राइस बहुत हाई थी, और तो मैंने 4 kW एक्सटेंड करके 4 kW कर दिया क्योंकि 4 kW पे 10,000 रुपये सीधे सीधे कम हुए थे। और S1X जो प्लस था ना उसमें की का तो इशू था ही, लेकिन जो 3 kW और नॉर्मल 3 kW में यानी S1X+ में और S1X में 5,000 रुपये का डिफरेंस था, लेकिन 15 अप्रैल के बाद वो प्राइस बराबर कर दी गई। और बाकी ओला लेने का तो बस एक ही था कि भाई 8 ईयर्स ऑफ वारंटी, जो कि अनकम्पेरेबल है किसी भी ब्रांड से, कोई भी नहीं दे रहा है। और किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की लाइफ होती है उसकी बैटरी, तो मैंने फिर और नहीं सोचा। प्राइस भी इतना जेन्युइन, क्योंकि मैं एक से ऊपर नहीं जाना चाह रहा था और एक के नीचे ही मैंने करीब 95 में मेरा काम हो गया था 3 kW पे, लेकिन पर मुझे थोड़ा 15,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े 4 kW के लिए, क्योंकि 1 लाख का था वो और 10,000 रुपये RTO और इंश्योरेंस वगैरह, तो मुझे 1,10,000 का पड़ा ऑन रोड। तो मैंने पेमेंट करा दिया, मैंने बोला चलो 15,000 रुपये ज़्यादा है लेकिन थोड़ी रेंज ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि बैटरी के साथ ये प्रॉब्लम है आपका ओवर द टाइम ना बैटरी की एफिशिएंसी कम होती है, यानी कि रेंज कुछ सालों में कुछ ना कुछ डिग्रेड करेगी। और जब हम सोचें 8 साल, तो चलो 8-10 साल और जितना खींच रहे हैं, क्योंकि इसको इसके एक बार लेने के बाद हम बैटरी सेट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और वो बाद में कुछ हो जाए तो अलग बात है, टेक्नोलॉजी रोज़ अपग्रेड हो रही है, लेकिन आज की डेट में 15,000 रुपये ज़्यादा दे के कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्राइस उनने वैसे ही इतना सस्ता कर दिया था। और मुझे बाकी ताम झाम टैबलेट ये सब नीचे मुझे नॉर्मल चाहिए था, उसमें भी नॉर्मल है अपना डिस्प्ले और चाबी लगा के अपना आराम से यूज़ करो, तो यही रीज़न था। और आज देख लो 1 महीने से ज़्यादा हो गया डिलीवरी में, लेकिन फाइनली कॉल तो आ ही गई है। इतनी है ना, सोचा बेलगिरी का जूस ही पी लिया जाए। तो हम आ गए हैं ओला एक्सपीरियंस सेंटर डिलीवरी लेने के लिए। यहाँ तो भरमार है भाई, दिख तो रही है यहाँ से ही अपनी जैसी कई सारी। बड़ी पुरानी भी रखी है भाई, ये Gen 1 है, ये सब पुरानी Gen 1 है, ये भी Gen 1 है, ये है, इनमें से होगी अपनी कोई। ओ चाबी वाला वेरिएंट, इनमें से अपनी कोई होगी। ये कुछ ख़राब सर्विसिंग के लिए आई हुई है,
देखा जाए तो पुरानी कितनी रखी हुई है। ये वाली है मेरी, मतलब ये इनमें से कोई होगी सिल्वर कलर की, या ये वाली, ये भी S1X है। ये है ब्लैक, वाइट है। तो कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, सिल्वर की वाइट है ना, वाइट में पीछे का ब्लैक है, वाइट है, फिर ये रेड है। सिल्वर में मेटालिक सन में आ रहा है। हाँ है तो फाइबर ही। देख सिल्वर कितनी है, 1, 2, 3 सिल्वर ही सिल्वर है यार। ये भी सिल्वर, वाइट 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 उनको। वाह निकल लिया हमारी ओला। पहले ये बंदा नया है, इसने पहली बार चला रहा है, इसका एक्सपीरियंस देखता हूँ। ऑन किया, हाँ चालू कर दिया। अभी नॉर्मल में 3 मोड होते हैं, ये इको है, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो अभी इको चेंज करते रहना, फिर एक इसका हो। चलो जा, सही है, ब्रेक ब्रेक सही कर रहे हैं, ब्रेक ब्रेक सही है। सस्पेंशन चलते टाइम बस ये देखना पड़ता है, स्टार्ट करो तो इको से स्टार्ट करो, फिर बीच में भर चलते चलते पावर ज़्यादा पिकअप ले लेता है ना। हाँ तो मज़ा आया, बढ़िया है। बस यही स्टार्ट करते रहे, स्पोर्ट्स में रिजर्व करके देख, अब घुमा इसको हल्का। पहली बार चलाया कैसा लगा इलेक्ट्रिक स्कूटर? बढ़िया है, साइलेंटली चलता है ना। क्या हो गया, अलग हो गया, टूटा नहीं है। भाई साहब यहाँ लाइन से लगी हुई है सारी की वेरिएंट, पहले की वेरिएंट देखने को नहीं मिल रही थी, और अब की वेरिएंट ही की वेरिएंट है ये लगी हुई है। और एक्सपीरियंस डिलीवरी का तो बहुत बेकार रहा, ऐसा मतलब टाइम पास सा करा रहा है कि जाओ बस, मैंने बोला कपड़ा तो मार दे भाई, क्योंकि गंदी हो रही है, स्क्रैच विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो उसने भाई कपड़ा भी नहीं मारा, बोला नहीं इसको तो आप धुलवा लेना। मैंने यार नई गाड़ी है, पूजा पूजा कराएगा आदमी, इतनी धूल हो रही है, उन्हें कपड़ा तक नहीं मारा। देखो चलो बाकी चला के देखी, थोड़ी बहुत ही चलाई यहाँ से, मतलब 50 मीटर ही, तो वैसे तो ठीक लग रही है, कोई मेजर स्क्रैच भी नहीं है। पैनल गैप्स ये तो भाई सब में ही है मैंने देखा, इसका आप क्या करें। और डिलीवरी में कुछ नहीं, उनने बस एक साइन कराया मुझसे और कुछ भी नहीं कराया, पेपर वेपर दे दिए। इतनी हल्की प्लास्टिक है ना ये गैप आ रहा। तो हम जा रहे हैं यहाँ से, काम हो गया है, डिलीवरी ले ली है, साथ फ्रेंड को बिठा के और देख रहा हूँ कि दो लोग बैठ के एक बार देख लेते हैं, पैर निकाल दें। हाँ ऊंची है,
लेकिन भाई ये पैनल गैप आ रखा है, उससे बोला भी मान नहीं रहा, बोल रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो है, ये है वो है, यहाँ पे भी हल्का सा दिख रहा है, कह रहा है अभी टाइट कराऊंगा, टाइट कराऊंगा तो कहीं और आ जाएगा, तो ऐसे करके बोल रहा है। तो अब देखते हैं, ले लिया, लेकिन क्या बताऊँ, इतना बेकार एक्सपीरियंस रहा ना डिलीवरी का, मतलब उसने कपड़ा तक नहीं मारा, उससे बोला भाई कपड़ा मार दे, नई गाड़ी ले जाएंगे, पूजा पूजा कराएंगे, कोई ये बात है क्या, चलो भगवान का नाम लेके, जय श्री राधा, जय कन्हैया लाल की, जय ओम गणेशाय नमः। तो यही बोल रहा था कि भाई ये आप ले जाओ, कोई दिक्कत आएगी, तो मैंने बोला यार दिक्कत आएगी बार बार थोड़ा आएगा कोई इतना दूर। तो अभी बस मैं दो लोग बैठा के एक बार चला के देख रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स मोड हो गया, भाग तो खूब रही है, सही 54 तक पहुंच गई 50, और अभी स्पोर्ट्स मोड लगा लिया मैंने, पर खुशी है चलो गाड़ी हाथ में अपनी। और एक चीज़ और बोल रहा कि इतनी सारी रखी हैं अभी मैंने, सबको हम मैन्युअली खुद चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ ओके हैं तब कॉल कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि अभी पूरा फर्स्ट स्लॉट आया तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं गाड़ियों में, तो इसलिए हम उन्हें बुला ही नहीं रहे, उसको रिकवर करके या फिर करेक्ट करके फिर ही बुला रहे हैं, बोला आपकी गाड़ी बिल्कुल फिटफाट थी इसलिए आपको कॉल किया, क्योंकि आज से डिलीवरी स्टार्ट हुई है और मुझे कॉल आ गया और आज मैंने ले भी ली, क्योंकि पूरा फुल है, देखा होगा कितने की वेरियंट है, पूरा स्लॉट आ रखा है, आई एम द लक्की वन, तो भैया टाइम से मिल गई। बाकी टाइम ये 6:23 दिखा रहा है, इसका तो पूछा ही नहीं कि ये कैसे कनेक्ट होगा। बाकी इसका स्टैंड इतना हल्का है, ऊपर फाइबर की एक बॉडी लगा रखी है, पीछे मेटल फ्रेम है, और चार्जिंग स्लॉट नहीं है इसके अंदर, खाली है, और ये अपना सामान रख लो कोई भी है। अब ये पूछना भूल गया, इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है कि नहीं, नहीं क्योंकि टाइम वगैरह ये सेट होगा, नेविगेशन भी है नहीं शायद, सब प्लेन ही है, वो गया फ्रेंड पूछने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो टाइम वगैरह कैसे अपडेट करेंगे इसमें। तो चलाने में तो बहुत स्मूथ है, मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऊंचा ऊंचा लग रहा है इसमें, पैर फुटपैड थोड़ा ऊंचे आते हैं, लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से ठीक है, और वैसे तो कंफर्टेबल लग रही है, सस्पेंशन भी ठीक लग रहे हैं इसके, बाकी बस एक्सपीरियंस ख़राब रहा एक्सपीरियंस सेंटर का डिलीवरी में, और इसका ब्लूटूथ का भी पता नहीं है ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं, मैं देखता हूँ एक्सप्लोर, क्योंकि ये सर्विस सेंटर वाला कह रहा है कि हम पे कोई अपडेट नहीं है, तो मैंने बोला भाई इसका टाइम कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी टाइम 3 मिनट आगे दिखा रहा है, और नेविगेशन का भी पता नहीं इसमें है कि नहीं, तो अभी नॉर्मल मोड पे चल रहे हैं, अपना आराम से चलते हैं, मज़ा आ रहा है। तो वैसे बढ़िया लग रहा है कि ना सीधे नॉर्मल मोड पे ही हो रही है, नॉर्मल मोड ही कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ईको पे थोड़ा सा कम पावर है, और फिर उसमें आप स्पोर्ट्स में एकदम से पिकअप लेती है, ये गाड़ी चलाना ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पीड में हो, फिर ना चाबी बंद कर दो गाड़ी की तो एकदम अपनी स्पीड पे चलती रहती है ना, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। और इसमें तो बिल्कुल साउंड नहीं है, एथर में साउंड थी, क्योंकि इसमें डबल बेल्ट करके है तो उससे आवाज़ आती है, ची अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करके रखो, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसका टाइम टू टाइम, अंदर वीडियो भी नहीं बनाने दी, कह रहे सर हमारे मना नहीं है, मैंने बोला यार यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो हैं, लोग बनाते हैं, आप क्यों मना कर रहे हो। सीरीज तो ज़रूर लगवाऊंगा मैं, गार्ड वगैरह, क्योंकि इतनी हल्की बॉडी है ना, इसको तो मतलब ऐसा बच्चे की तरह रखना पड़ेगा, जैसे वो है अपनी डेस्टिनी, वो पूरा मेटलिक बॉडी है, फाइबर नहीं है तो हैवी है वो, उसमें कोई भी कोई कुछ हो भी जाए तो उसको डेंट पेंट से सही हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल फाइबर है, एक बार गई क्योंकि इतनी ओला देख ली ना, स्क्रैच टूटी हुई, लोग टेप लगा लगा के चला रहे हैं, तो उसको बहुत प्यार से चलाना, प्यार से ही चलाएंगे। 750 वॉट का है हमारे पास चार्जर, तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये तो 500 वॉट 3 किलोवाट में बोला था, और हमें बोला था कि 4 किलोवाट में 750 वॉट का चार्जर मिलेगा, तो पर उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं, मैंने कंफर्म कैसे करोगे कि ये 750 वॉट का है, तो उसने बोला कि सर अब ना मोस्टली सब में 750 वॉट ही आ रहा है, 500 आ ही नहीं रहा है, और पर आपको तो 750 ही मिलेगा, मैंने सब कर लिया लेकिन नहीं पता चला,
तो अब वो कह रहा है अब इनसाइड बोला फैक्ट्री से ही सब सेट बन के आता है। मैंने बोला ठीक है भाई, हाँ बोल रहे हो तो लिख लेते हैं। मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, फिर मैंने भी रख लिया उसको चुपचाप और चार्ज करके देखेंगे। चार्जिंग टाइम कम लेता है उसमें, घर पे जाके R&D करेंगे क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था, मुझे भी लग रहा है अब जब निकलो। ये क्रूज़ का सिस्टम मस्त लगा, क्रूज़ पे लगा दिया है, छोड़ दिया हैंडल अपना, मस्त चल रही है। और ब्रेक लगाते ही या फिर एस्केलेशन को छेड़ते ही अपने आप हट जाएगा। अगर एस्केलेशन छेड़ा क्रूज़ हट गया, तो क्रूज़ के लिए आपको एक स्पीड लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये बटन को थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा। एक ग्रीन कलर का आ गया, अभी क्रूजिंग चल रहा है, लेकिन ये अच्छा है कि ब्रेक को थोड़ा सा भी छेड़ते ही हट जाता है। तो अब भाई को दे दिए, नंबर प्लेट इसने उल्टी लगा दी है। नंबर प्लेट साफ दिख रही है कि टेढ़ी है, ऐसे ही काम करते हैं ये। और इसमें दो छेद हो जाएंगे क्योंकि सीधे कराने में अलग छेद कराना पड़ेगा।